गुड मॉर्निंग फ्रॉम टोरंटो वंस अगेन। और हम लोग अभी तड़के तड़के मतलब 7 बजे ही निकल लिए हैं अपने एयरबीएनबी से, जा रहे हैं पहले टिम हॉर्टन वापस ब्रेकफास्ट करने, और फिर यहाँ से हम लोग ब्लू स्टेशन जो है वहाँ से हम लोग पकड़ेंगे अपनी गो ट्रेन जो हमें लेके जाएगी नयाग्रा। लेट्स सी कैसा रहता है आज का दिन। और आज हमारा टोरंटो में आखिरी दिन है, और ट्रिप का भी आखिरी दिन है, तो एंडिंग हम धांसू करना चाहते थे एंडिंग में, इसलिए हमने आखिरी में एकदम नयाग्रा रखा। बट एक डर भी था कि आखिरी में रखना है कहीं आखिरी दिन बारिश ना हो जाए। हालांकि अभी पीछे हर दिन बारिश हुई है, कल भी रात में बहुत बारिश हुई है, बट आज के प्रेडिक्शन है कि नॉट इवन पार्टली क्लाउडी बल्कि सनी कंडीशंस भी 1-2 घंटे के लिए रहेंगी। तो हम होप कर रहे हैं कि जब हम नयाग्रा पहुंचे तो हमें अच्छा सनी मिले, तो ताकि हम लोग ट्रू कलर्स देख सकें, वाटरफॉल और रेनबो वगैरह दिखाई दे। ये दिखा दोगे हो जाएगा, वैसे साथ में ही रहना मेरे। तो हम लोग अपने ब्लू स्टेशन से गो किचनर गो पकड़ के यूनियन स्टेशन आ गए। अब यहाँ से हमें लेक शोर वेस्ट वाली जो गो है उसको पकड़ के जाना है बर्लिंगटन, और उसका टाइम अब हो चुका है। चलो चलते हैं। हम लोग अपनी 12B जो गो बस थी बर्लिंगटन से पकड़ी हम लोगों ने, और 1 घंटे में उसने हमें नयाग्रा फॉल्स बस टर्मिनल पीछे छोड़ दिया था। अब हम लोग यहाँ से वॉक करके सबसे पहले सिटी क्रूज़ जो है वहाँ जाएंगे। सिटी क्रूज़ तो करना बनता ही है, आखिरकार जिम ने पैम को प्रपोज किया था वहाँ पर जिसको नहीं पता ये ऑफिस का रेफरेंस है। नहीं करना चाहते थे क्योंकि बस 15 मिनट में थी, तो हमने सोचा बाय वॉक ही हम थोड़ा नयाग्रा पार्क्स एक्सप्लोर कर लेते हैं एंड देन वहाँ पर हम क्रूज कर लेंगे। जिस सीएन टावर में हम लोग कल गए थे, तो ऐसा बोलते हैं कि अगर कोई क्लियर दिन होता है मतलब कि पूरे बादल ना रहें, तो हम लोग जैसे भी 2.5 घंटे की पूरी जर्नी करके आए, बल्कि 2 घंटे 50 मिनट के आसपास की, तो अगर जब पूरा बादल साफ रहते हैं सनी डे रहता है, तो सीएन टावर के टॉप स्टोरी से जो स्काई पॉट था वहाँ से नयाग्रा फॉल दिखाई देता है। तो हम लोग को लगा यार कैसे ऐसा हो सकता है, इतनी दूर हम लोग आए हैं और वहाँ से ये कैसे दिखाई देगा। बट हम लोगों ने रास्ते में देखा जो ओंटारियो लेक हमारे बगल में चल रही थी, लेक के बिल्कुल एंड में छोटी छोटी सी बिल्डिंग्स जो थी वो सब इतनी इतनी सी टोरंटो पूरा दिखाई दे रहा था, और सीएन टावर तो ऑब्वियसली सबसे टॉलेस्ट था। पार्क की मेंटेनेंस देखो इतना साफ है, तब भी वो पत्ते साफ करने के लिए बंदा चल रहा है ये तो बात सही कही। आप मेरे पीछे देख रहे हो
वो है अमेरिका, ये रहा यूएस उस तरफ, ये बिल्डिंग जो है वो यूएस की है। ये रेनबो ब्रिज है, ये कनाडा को यूएस से कनेक्ट करता है, बट अगर आपके पास परमिट है जाने का तो ही। मतलब लाइव भी देखा है बट यूएस में लगा हुआ पहली बार देखा। ऑफ कोर्स यूएस पहली बार देख रही हूँ, जा नहीं सकती पर देख रही हूँ। नियाग्रा फॉल बेसिकली इसमें तीन फॉल्स हैं, तीन फॉल्स मिलके पूरा नियाग्रा बनता है। अमेरिकन फॉल, ब्राइड वेल, ब्राइडल वेल, ब्राइडल वेल, अमेरिकन फॉल्स और हॉर्सशू फॉल, जिसको कि कैनेडियन फॉल्स भी बोलते हैं। तो इसमें सबसे अमेजिंग जो फॉल है वो अपना ही, मतलब कि कैनेडियन फॉल्स जो है हॉर्सशू, वो सबसे बड़ा फॉल है। और उसके बाद फिर उससे छोटा छोटा है जो अपना अमेरिकन फॉल है, और सबसे छोटा है वो ब्राइडल वेल। अभी हम लोग जब क्रूज़ करेंगे सब आपको पास से दिखाते हैं। हम लोग फाइनली अब आ गए हैं दुनिया के सबसे बड़े वाटरफॉल में, जहाँ भी रहे इंडिया में या जहाँ भी, हमेशा ये होता रहा है कि ये यहाँ का नयाग्रा है, ये वहाँ का नयाग्रा है, ये नयाग्रा जैसा है, ये नयाग्रा वैसा है। आज देखेंगे दी नयाग्रा। नयाग्रा सिटी क्रूजर वहीं चल रहा है। Where do we go? Thank you. Sorry. Thank you. नीचे चलना है? नहीं नहीं ऊपर से रहते हैं।
कैसी हॉट चॉकलेट? मस्त, अमेजिंग। भीगने के बाद जो गर्मा गर्म हॉट चॉकलेट पीने का मजा है। कनाडा एंड वॉचिंग यूएस इज डिफरेंट। वॉचिंग नियाग्रा एंड ऑफ कोर्स। अच्छा था, चलो करते हैं, मिलते हैं, पता नहीं कौन से ट्रिप पे मिलेंगे, मिलते हैं बाद में।